बात है, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। पर मेरी हालत 2 दिनों से ठीक नहीं है। 2 दिनों से मैं बीमार हूँ। मुझे अचानक ही पेट में दर्द होने लगा था और कल पूरा दिन हमने अस्पताल में ही निकाला। कल वहाँ पर मुझे ग्लूकोज की 3 बोतल चढ़ाई गई, 5 से 6 इंजेक्शन दिए, फिर भी मुझे कोई राहत नहीं हुई। और ऊपर से मुझे वोमिटिंग चालू हो गई, उल्टियाँ ही हो रही थी जो बंद नहीं हो रही थी। तो शाम को भी हम फिर से गए थे सिविल अस्पताल, क्योंकि हम कल पूरा दिन सिविल अस्पताल में ही थे। वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हें फूड पॉइजन हो गया है, कुछ खाने में कोई चीज आ गई होगी, इसकी वजह से ये हो रहा था। तो कल का पूरा दिन तो हमारा कैसे गया पता ही नहीं चला। इन्होंने 1-2 क्लिप निकाली है अपने आप से। मुझे तो कल कोई भी होश ही नहीं था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, इसी वजह से आज मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आया। शायद अगले 2 दिन भी कोई व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि मेरे हाथ में जान ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि मैं फोन उठाऊँ या वीडियो शूट करूँ। और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, आप भी मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि 2 दिनों से मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा और क्यों नहीं आएगा। तो यही वजह है, ज़्यादा कोई और वजह नहीं है। बहुत ही परेशानी हो रही है मुझे, धारा को संभालना, घर का सारा काम देखना, इनको देखना, इनका खाना पीना। वो तो अच्छा है कि बाहर है तो सारा मैनेज हो जाता है, वरना बहुत ही दिक्कत होती। तो कल तो पूरा दिन मैं ऐसे ही बेड में ही थी, बेड रेस्ट थी। और कल शाम को भी फिर से उल्टियाँ चालू हो गई थी, तो फिर से हम गए थे। कल के दिन में हमने 3 डॉक्टर बदले है ना, डॉक्टर से तो फिर मत फिरो भाई, एक ही दो ध्यान है ना। आता तो इससे ये चोटी है, ये लेवल पे तो उल्टी बंद थी कि कुल भी वस्तु पेट में दर्द बंद थी कि 100% राहत थी कि एकदम। अभी यहाँ के लिए तो कल रात से कोई दवाई नहीं खाई, बाद में यहाँ पर गुड़ और चूने का एक लेप बनाकर यहाँ पर लगा दिया है पेट के ऊपर। और भी कुछ चीजें की थी, बाने मालिश की पेट के ऊपर सारी चीजें, तब जाकर मुझे राहत हुई है। और तब मैं जाकर रात को सो पाई हूँ, वरना मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं लेटती या 2 घूंट भी पानी पीती तो सीधी उल्टी हो जाए, बस यही हो रहा था। तो इसकी वजह से मेरे हाथ पैर में भी थोड़ी सी भी जान नहीं थी, खड़ी होने की भी हिम्मत नहीं थी। जैसे ही खड़ी होने जा रही थी तो चक्कर आ जाते है और बैठ जाती हूँ। तो ये सारी परेशानी हो रही है। और अभी सुबह के बजे है 10:30। आज ये दुकान तो नहीं गए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ और बता देती हूँ, क्योंकि अगले शायद 2 दिनों तक कोई भी ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि मेरे हाथ में हिम्मत नहीं है, मुझे ही हिम्मत नहीं हो रही है। मैं कुछ भी खाना पीना खा रही हूँ तो भी डर लगता है, मुझे पानी पीने में भी डर लगता है। ऐसा ही लगता है मैं पानी पीऊंगी तो उल्टी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कल के दिन पूरा दिन मुझे वोमिटिंग हुई है, इसी वजह से मुझे बहुत ही डर लग रहा है। बस तो यही सारी वो थे, तो कुछ पता नहीं चला मुझे पूरा दिन। कल धारा को भी उन्होंने संभाला, इनका खाना पीना, घर का सारा काम, फिर मुझे देखना, बार बार मुझे नींबू शरबत बना कर दिया, फिर हाथ पैर मेरे दबाए, बहुत सारा काम बाने कल किया। तो इसकी वजह से कल मुझे पता नहीं चला, वरना मैं अकेली होती तो धारा को संभालती, इनको संभालती या मैं खुद को संभालती, कुछ पता नहीं चलता। तो चलिए यही बताना था आप लोगों को। तो आप भी भगवान से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैं भी अभी बोर हो गई हूँ 2 दिनों से ऐसे लेटे लेटे। और खाने से तो मैं इतना डरती हूँ कि पूछो ही मत। ये सब लोग बोलते हैं थोड़े से दाल चावल, भाई एक ही चीज होता है काई होता है दाल भात नहीं खावन चालू कर दी भाई, मैंने घंटा मांस में दिन अच्छा बोला था। तो अभी बा बोल रहे थे मुझे कि तुम थोड़े से गर्मा गर्म दाल चावल खा लो, थोड़ी सी लच्छी पी लो, ये थोड़ा थोड़ा तुम 10-10, 15-15 मिनट के बीच में खाना खाती रहो, तभी तुम्हारी शरीर में जान आएगी, तभी तुम्हें हिम्मत आएगी। ऐसे डर डर के रहोगी तो तुम कितने दिनों तक नहीं खाओगी, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन तो तुम्हें खाना ही होगा। और परेशानी क्या हो रही है पता है, 4.5 महीने के जो उपवास मैंने खत्म किए और सीधे ही मैं खाना खाने लगी, इसकी वजह से कुछ तो ज्यादा हो रहा है। क्योंकि रात को मैं कभी भी खाना खाती ही नहीं थी, उपवास वाला या कोई चिप्स या कुछ भी नहीं, आज दोपहर से कल दोपहर। इसी वजह से अभी जो मेरा पेट है ये सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, डॉक्टर का भी यही कहना था। और इसी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा रात को भी खाना होगा,
और थोड़े थोड़े से स्टार्ट करना होगा, तब जाकर आपके पेट में सारी चीजें डाइजेस्ट होगी, वरना यही दिक्कत होगी। क्योंकि 4.5 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था, रात को दोपहर को एक टाइम खाना खाया था, तो ये सारी परेशानी हो रही है। तो चलिए, यही बताना था मुझे आप लोगों को। तो आज का वीडियो भी मैं यहीं तक रखती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और भगवान से प्रे करना कि जल्दी जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ और पहले जैसे ब्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। बाय।